मेरी गुड़िया में चल रही है राघव और रात्रि की शादी की तैयारियां। शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अवि बाथरूम में गिर जाएगी और सभी उसे ढूंढ रहे होंगे। राघव अवि के कमरे में आकर उसे बाथरूम के फ्लोर पर देखकर हैरान रह जाएगा। वो अवि को वहां से उठाएगा और देखेगा कि वो ठीक है या नहीं। अवि की ऐसी हालत देखकर राघव रात्रि को डांटने लगेगा। राघव रात्रि को अवि का ध्यान रखने को कहेगा। रात्रि भी राघव के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग करेगी। इसके अलावा शो में दिखाया जाएगा कि कैसे घर वाले इस शादी को लेकर काफी खुश हैं। राघव की मां रात्रि को अपनी बहू बनाना चाहती हैं और उसे अपनी पुश्तैनी ज्वेलरी दे देंगी। ये देखकर अवि को अच्छा नहीं लगता और वो रात्रि के हाथ से मांग टीका ले लेगी और कहेगी कि ये मेरी मम्मा का है। उसकी दादी उसे समझाएगी कि अब रात्रि ही उसकी मम्मा है। अवि कहती है कि उन्होंने तो कहा था कि वो उसकी मम्मा की जगह नहीं लेंगी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगी। रात्रि अवि को अलग से ले जाकर समझाने लगती है। आइए जानते हैं कि आखिर रात्रि ने अवि को कैसे समझाया। हाँ एग्जैक्टली एक्चुअली मैं मौका उठाने वाली थी बट वो उठा नहीं पाई। वो गुड़िया ने किसी तरह उसको इशारे कर दिए वो बाथरूम में। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ऑफकोर्स वो बोली बॉय सनी का हाथ था, लेकिन आई वॉन्टेड कि इसका क्रेडिट मुझे मिल जाए, उसको बचाने का क्रेडिट, ताकि मैं सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊँ। वो चाची आई हुई है, उनका भी थोड़ा मुँह बंद हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली गौरव आ गए और गौरव ने उसको पहले देख लिया और बचा लिया। एंड हाँ उसमें भी थोड़ा मुझे सुनना पड़ा, लेकिन ठीक है दादी का सपोर्ट मिल गया मुझे उस जगह, तो मैं थोड़ा बच गई। एग्जैक्टली मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो उसको थोड़ा सा ऐसे लॉलीपॉप दिया था कि हाँ बेस्ट फ्रेंड बनने का, तो वो तो उसको पकड़ के बैठ गई है। मतलब माँ बनने की, खैर मुझे माँ बनना है नहीं बनना है वो तो आगे पता चलेगा। मुझे तो मेरा मेन इंटेंशन है कि मेरी राघव के साथ शादी हो जाए। उसके लिए बाई हुक बाई क्रोक किसी को भी पटाना पड़े मैं पटा रही हूँ। तो धीरे धीरे देखते हैं आगे कितना अभी मानती है। देखो मुझे मेरा रात्रि का बेसिकली अभी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसको कोई प्यार है अभी से। उसका प्यार राघव है, उसको राघव ही चाहिए। तो एक बार उसकी सौतेली माँ बन जाएगी तो उसके बाद तो उसका ही राज चलने वाला है। और छोटी सी है, देखते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी उसको तो रुद्राक्ष को सौंपना है। सो देखते हैं शादी के बाद देखा जाएगा क्या करना है। शादी तो हो जाए पहले।